को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं। झंगा पुलिस ने किया अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 निर्मित तमंचा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने बताया गिरफ्तार अभियुक्त का पुत्र भी इसी कारोबार में जा चुका है जेल। अपोस्टोलिक कार्मस संस्थान के 150वीं वर्षगांठ और कार्मस गर्ल्स इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति पर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। सकुशल संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक, 22 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन। मूर्ति विसर्जन के दूसरे दिन शनिवार को भी ढोल नगाड़े की धूम पर नाचे श्रद्धालुगण, निकाली मां लक्ष्मी की विसर्जन यात्रा। छठ पूजा की शुरू होने लगी तैयारियां, भक्तों ने बनाई नदी के किनारे वेदी, घाटों की साफ सफाई में जुटी नगर निगम की टीम। और जीसीए के जिला क्रिकेट लीग में आतिफ क्रिकेट एकेडमी की केएस टैलेंट पर 47 रनों से जीत।